बस स्टैंड के समीप बनने वाले 100 बेड का क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजकोट से वर्चुअल माध्यम से किया। मौके पर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू, पूर्व विधायक निर्भय शहबादी, सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, विनय सिंह, अजय रंजन सिंह सहित एएनएम सहिया और अस्पताल के कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शिलान्यास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 100 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन राजकोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन के माध्यम से रिमोट बटन दबाकर किया। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने राज्य भर के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। गिरिडीह में बनने वाले यह अस्पताल 3.4 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी लागत 52 करोड़ होगी। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर विधायक, पूर्व विधायक और अन्य गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। कहा गया कि आज का दिन गिरिडीह के लिए सचमुच में बहुत बड़ा दिन है। 100 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जब बनकर तैयार होगा तब क्रिटिकल मरीज को इलाज के लिए बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा। बताया गया कि यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। सभी बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड होगी। आधुनिक उपकरणों के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास होने जा रहा है। काम तो 4 महीना पहले शुरू हो चुका था, आज शिलान्यास होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है और मुझको लगता है कि गिरिडीह में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए ये एक अच्छा कदम है और हम अपने स्वास्थ्य विभाग से यह उम्मीद करेंगे कि ये बिल्डिंग खाली देखने में भव्य न हो, यहाँ पर बाकायदा लोगों का इलाज हो। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज गिरिडीह के लिए इतनी बड़ी सौगात दिया है जो मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। क्योंकि गिरिडीह में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो एक इमरजेंसी किसी बड़ी बीमारी हो जाए उसका इलाज हो सके, लेकिन क्रिटिकल सेंटर के माध्यम से 100 बेड का हॉस्पिटल का व्यवस्था यहाँ दिया, जो एक छत के नीचे सारी सुविधा जांच का हो या किसी प्रकार का हो, हर एक प्रकार की सुविधा स्वास्थ्य संबंधी सारे एक छत में मिलेगा। मैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। समस्त गिरिडीह वासियों के आपसे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आपने पूरे भारत को एक एक जन जन की समस्या का निदान करवाने का काम किए हैं। तो जो जिस क्षेत्र में क्या कमी है उसको देखा और आपने उसको दिया, इसके लिए समस्त भारतवासियों आपको पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे।